और ये देखिए ट्रैक्टर। अरे यार आगे से यार ट्रक निकल गई और ये देखो इसने क्या हालत कर दी। मेरे को अब नए से नहाना पड़ेगा। देखिए शोपियान टाउन है यहाँ से 0.9 किलोमीटर। पुलवामा का घंटाघर और बल्का पर कैसे नजदीक। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। सीता तो दोस्तों आज ना हमको जाना है अहरबल फॉल्स, यानी कि जहाँ पर वाटरफॉल भी है, वहाँ से ना पीर की गली भी नज़दीक पड़ती है। तो मैंने सोचा बहुत टाइम से अब व्लॉग नहीं आया, तो चलो कोई बात नहीं, आपको भी आज एंटरटेन कराएंगे, अपनी पूरी कोशिश लगाएंगे, ठीक है ना जुबैर भाई? तो यहाँ से 70 किलोमीटर आराम से चलना, बस अगर इसे तेज चलाना मैं आप सबको बोलूँगा। ये ना डर रहा है यार, जब ये खुद बाइक चलाता है ना तो उस टाइम ना ये ऐसे ऐसे चलता है, मेरी बाइक पर जब चढ़ता है ना बोल रहा है आप सरस भाई मेरी स्प्लेंडर कहाँ गया ब्रो, ये निकला। जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो सादत भाई चढ़ा है इसको नोटिफिकेशन से पहले आप तक। और ये देखिए ठीक हो भाई, अच्छे से हो? ये भी रामबाग में रहता है तो, लेकिन ना बहुत शर्मीला है। चलो कोई बात नहीं, तो चलो ठीक है। तो दोस्तों करते हैं हम अपना सफ़र स्टार्ट, निकलते हैं ऊपर वाले का नाम लेके। फिलहाल अभी हम हैं रामबाग में, अभी हम जाएंगे बाईपास की ओर, नौगाम बाईपास। और बल्का पर कैसे नजदीक तो दोस्तों इस टाइम अभी हम हैं छतरगाम, तो पहुंचना है हमको पहले पुलवामा, ठीक है? पुलवामा अभी इस वाले साइड से लगभग 10-20 किलोमीटर है। ये शायद यहाँ पर इन्होंने चावल उगाया है, और वो जो आप देख रहे हैं ना वो वाला साइड, वहाँ पे है एप्पल्स की ट्री, और इस वाले साइड से मिट्टी के पहाड़, ये चक्कर है। ये देखिए दोस्तों यहाँ से शायद आ रहा है जिसको हम कश्मीरी बोलते हैं आर, ये ना ग्लेशियर का पानी आता है फिर इसी साइड से जाता है। तो अभी भी हम पुलवामा नहीं पहुँचे लेकिन सफ़र जारी है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ना ये गाड़ी, इसमें है आलू बुखारा जो कि अभी तैयार हो चुके हैं, आप इसकी पैकिंग करने जा रहे हैं कंपनी में, इसमें बहुत सारे आलू बुखारा है। तो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंचे हैं पुलवामा, और ये है मेन चौक ऑफ पुलवामा, और यहां से अब चेक करें मार्केट कैसा है। मार्केट बहुत ही अच्छा है ना। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और देखते हैं कुछ खाने के लिए मत लेंगे हम। और ये देखिए ट्रैक्टर। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, ये है जुबैर भाई, तो देखते हैं थोड़ा सा हम खाने के लिए लेंगे क्योंकि सफ़र बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो देखते हैं आगे का सीन भी क्या रहेगा, है ना? और बहुत ज़्यादा डस्ट अभी लगा है मेरे फ़ोन को। दोस्तों हम ना जल्दी ही, मतलब हमको थोड़ा बहुत टाइम लगा यहाँ पर आने को क्योंकि जुबैर भाई ना ये डर रहा है, ये बोल रहा है कि आप धीरे धीरे चलो, इवन कि मैं 50-60 चल रहा था लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा डर रहा है, वरना हमने ये कब का कवर कर लिया होता। लेकिन आज लगता है मेरे को आज बहुत टाइम लगेगा क्योंकि जुबैर भाई बार बार बोल रहा है मेरे को कि आप ओवरटेक ना करिए और धीरे चलने की कोशिश करो, जो कि मेरे से होता ही नहीं है। तो दोस्तों ये है पुलवामा का घंटाघर, ये देखिए आप पुलवामा का घंटाघर। तो शायद हमको यहाँ से सीधे निकलना है, इस वाले साइड से जाते हैं जम्मू, और यहाँ से देखिए अभी ना पूरा ये खुश्क हो चुका है, इस वाले साइड से भी और इस वाले साइड से भी।
ये भी है आरा, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं और ये पानी ग्लेशियर का पानी है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कहाँ से आ रहा है ये पानी। ये देखो ना, अभी कुछ भी नहीं है। एक ज़माने में यहाँ पर ना इतना पानी होता था, आज कुछ भी नहीं है। अरे वो देखो जिबर भाई, वहाँ पर वो नहा रहे हैं, वहाँ पे ना सब नहा रहे हैं, ये देखिए। लेकिन ये ना माइग्रेट्स है ना, ये बाहर के आए। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट शोपियान। तो फाइनली अभी हम डिस्ट्रिक्ट शोपियान में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों ये देखिए, शोपियान टाउन है, यहाँ से 0.9 किलोमीटर, पीर की गली है 50 किलोमीटर्स, लेकिन हमको जाना है अहरवल। अहरवल है 24 किलोमीटर्स। तो बस अब थोड़ा सा ही सफ़र रह गया है। तो दोस्तों यहाँ से लगता है टोल बड़ी गाड़ियों का। वेलकम टू एप्पल टाउन शोपियान। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं एप्पल टाउन, और यहाँ से चक्कर है ये कितना बड़ा, इसको हम दरिया नहीं कह सकते, इसको कश्मीरी में आर कहते हैं। जैसा कि मैं पिछली दो तीन बार मैंने बोला आपको, ये वही इलाका, ये ना वही मतलब प्लेस है। तो यहाँ से देखिए अभी ना पानी बिल्कुल ग्रीन आ रहा है, और लेकिन ये एक वक्त पे ना ये पूरा भरा हुआ करता था। ये जो भी आप पानी देख रहे हैं ना, ये ग्लेशियर का पानी है। और ये देखिए अभी इसकी लेंथ क्या है, और वहाँ पर देखिए, वहाँ पर वो नहा रहे हैं। ये देखिए, ये वाला पहाड़ ना पीर की गली से कनेक्ट होता है, यही रोड है वो, जहाँ से शोपियान भी जाते हैं और पीर की गली यहीं से जाते हैं। और ये सब ग्लेशियर का पानी है जो कि आ रहा है। 2-3 किलोमीटर इसका ना विड्थ है, अभी लेंथ तो बहुत ही ज़्यादा होगी, लेकिन विड्थ अभी 1 किलोमीटर लगभग होगा। वेलकम टू एप्पल टाउन शोपियान। पूछ यहाँ से 124 किलोमीटर है टोटल। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं शोपियान मेन मार्केट, और यहाँ से भी बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको कन्फर्म करना वो है बूथ, पीर की गली और अहरवल भी यहीं से है। अहरवल है इसी साइड से, यहाँ से अहरवल है नहीं, अलीबाग है। यहाँ पर हम कन्फर्म करेंगे भैया, अहरवल की साइड से है सीधा। ओके थैंक यू, ठीक है ठीक है सर। तो कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि यहीं से जाना है अहरवल। अभी ना हम शोपियान में, और ये देखिए कुछ शोपियान का सीन, सुपर बाजार शोपियान है यहाँ पर, और ठीक ठाक ही। देखिए दोस्तों अभी ना हम शोपियान में ही, लेकिन मैं आपको ये वाला सीन ज़रूर दिखाना चाहता था। और ये है कुछ शोपियान के साइड का सीन, ये देखो अभी ना कितना बड़ा, यहाँ से वहाँ तक लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर तो ज़रूर ही होगा। लेकिन अभी हम शोपियान से बहुत आगे आ चुके हैं, और दोस्तों ये चक्कर है यहाँ का सीन अभी क्या है, और कितना मतलब यहाँ पर ना इंसान चुप रहता है, क्योंकि यहाँ पर सीन ही कुछ अजीब है। अभी ये देखो विड्थ कितनी है इतनी, और बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से आता है। आप इमेजिन करो आज से 50 साल पहले यहाँ से कितना पानी आता होगा। ये सब ग्लेशियर का पानी इस वाले साइड से आता है, लास्ट में फिर ये क्या बोलते हैं, जहलम के साथ मर्ज होता है। ये चक्कर है दोस्तों, ये जो आप पीछे माउंटेन्स देख रहे हैं ना, ये सब पीर की गली के रेंज, पीर पंजा रेंज इस वाले साइड से है। और ये वाला जो रोड है यही कनेक्ट होता है अहरवल साइड से। और यहाँ से चक्कर है अभी कितना वास्ट है, ये कितना ही बड़ा और कितना लंबा है। यहाँ से ना अभी यहाँ से लेके वहाँ तक लगभग होगा 700 मीटर, लेकिन शोर यहाँ तक आ रहा है, पानी का शोर यहाँ तक आ रहा है। और वहाँ से अगर आप देखेंगे, वहाँ से ना शायद इन्होंने फिश फार्म खुलाया है, ट्राउट फिश, क्योंकि पानी भी यहाँ पर साफ है। तो ये देखिए, मेरे को लगा पहले यहाँ से ये स्विमिंग पूल है, लेकिन स्विमिंग पूल नहीं है, ये फिश फार्म है। तो दोस्तों वक्त ज़ाया करने के बगैर हम निकलते हैं इस वाली एरिया से, लेकिन ये जो एरिया है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर ना मन ही नहीं कर रहा है कि यहाँ से हम निकले। अहरवल है यहाँ से 12 किलोमीटर, और मुगल रोड यहीं से जाना है, लेकिन हमको अहरवल जाना है तो आगे जाके हमको लेफ्ट निकलना होगा।
पीर की गली इस वाले साइड से जाते हैं राइट वाले साइड से, और अहरवल जाना इस वाले साइड से, तो आप भी याद करके रखना। और हाँ दोस्तों, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि अब यहाँ से होगी इनक्लाइन स्टार्ट, यानी कि चढ़ाई होगी यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि अब हमको जंगल के बीच में से जाना है। आगे आप देखेंगे कि आगे कितने सारे पेड़ आएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर रुक गया क्योंकि इसकी वजह से मैं रुक गया। ये चेक करो ना अभी कलर कैसा है इस वाले साइड से भी। ये ना ऐसे ग्लेशियर का पानी आ रहा है और यहाँ पर ना बहुत सारे बंदे अभी नहा भी रहे हैं, ये चक्कर है। अरे वाह, पूरा ग्रीन कलर है अभी। जुबैर भाई आप नहाओगे इधर? नहीं, गर्मी बहुत हो चुकी है ना, मेरे को लगता है थोड़ा सा अभी हम यहाँ पर नहाएंगे भी, क्योंकि ये ना ग्रीन कलर का वाटर है, ऐसा पानी बार बार हमको देखने को नहीं मिलता है। प्यार है प्यार। ये देखिए गाइस, सारा पानी उतरे। यार ये बहुत ज्यादा ठंडा है। उतरो। कहाँ गया ब्रो? तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर। यहाँ पर ऐसी लोकेशन है ना यार, पूछो ही मत। इस वाले साइड से आप चेक करो, ये देखो ना कैसे पानी जा रहा है ऐसे ऐसे। तो दोस्तों ये थी कुछ लोकेशन जहाँ पर मैंने नहाया इस वाले पानी में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज। और यहाँ से आगे स्टार्ट होता है जंगल, तो अभी हम जाएंगे अपनी बाइक की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे अपने दोस्त थे, ये ना यहाँ से थोड़ा सा फोटो शूट कर रहे थे भाई के साथ, ये भी यहीं के रहने वाले। नागपुर से यहाँ से थोड़ा सा सीन करने आए, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ओके ब्रदर, भाई को सपोर्ट करना। थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू। ओके बाय। अरे बाप रे बाप। अरे यार आगे से यार ट्रक निकल गई, और ये देखो इसने क्या हालत कर दी। मेरे को अब नए से नहाना पड़ेगा। बस एक बात की टेंशन है मेरे को ना, जुबैर भाई बोल रहा है बार बार आप धीरे चलो सब। उसी बात से मेरे को ना अभी टेंशन हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए पुराना मकान, और यहाँ से ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है गुजर, और ये इनके साथ घोड़े हैं। क्योंकि इस वाले एरिया में जब बर्फ़ पड़ती है ना तो ट्रैफिक अवेलेबल नहीं रहता है, इसीलिए ना घोड़े इन्होंने पार रखे हैं। और ये पुराने ज़माने की शॉप है ना, पुराने टाइप की शॉप है। सलाम अलैकुम, ठीक अच्छे से सब ठीक? चलो ठीक। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताना ही भूल गया, यहाँ से ना रोड आज बहुत ही ख़राब है, 50% ख़राब है। ये देखो दोस्तों अभी हम कितना हाइट पर आ चुके हैं। लेकिन तो दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है अहरवल का गार्डन, लेकिन जो अभी सीक्रेट है ना वो अभी हमने रिवील नहीं किया। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ना अभी गांव कहाँ पर है, पहाड़ की पीक पर यहाँ से गांव है, और यहाँ से जंगल आप चेक करें जंगल कैसा है यहाँ से। ये यहाँ से देखो ना अभी कितना इन्होंने कट किया है यार, यहाँ से तो डर लगता है देखने को। जुबैर भाई यहाँ से चेक करो। जुबैर भाई डर रहा है। रे बोब रे बोल, बहुत ही ज्यादा गहरा यहाँ से, अगर गाड़ी यहाँ से गई ना तो उसको हेलीकॉप्टर भी नहीं चला सकता। तो दोस्तों ये चेक करें, ये है अहरवल, यहाँ से निकलता है वाटरफॉल जो कि बहुत ही हाइट से गिरता है, और वो वाला साइड जो है वो है पार्किंग। लेकिन इस वाले साइड से मेरे को पता नहीं है यहाँ से रोड जाता है, ये देखिए यहाँ से रोड जाता है, लेकिन ये मेरे को पता नहीं है ये वाला साइड कहाँ से कनेक्ट होता है। लेकिन जंगल को देखने मेरे को सब कुछ भूल जाता है। तो दोस्तों ये है कुछ जंगल, ये है कुछ अहरवल का सीन। नीचे से जाता है रोड, यहाँ से चक्कर है, यहाँ से रोड जाता है, और वो है पार्किंग एरिया ऑफ अहरवल। यहाँ से अभी शोर सुनाई दे रहा है, वहाँ पर है वाटरफॉल जो कि यहाँ से अभी देखना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपको अभी दिखाएंगे।
और यहाँ से चेक करें, यही जो वाटरफॉल है ना उसी का पानी यहाँ से फिर जाते हैं आगे। ज़ुबैर भाई ना बहुत ही ज़्यादा थक चुका है अभी, तो यहाँ से भी थोड़ा सा मेरे को पानी देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्रीनरी आप चेक करें ग्रीनरी कैसी है। तो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अहरबल, और यह है अहरबल का ब्रिज। पहले हम साइड से सीन चेक करेंगे। इस वाले साइड से हम चेक करेंगे। अरे वाह, इस वाले साइड से तो मैंने देखा ही नहीं। अरे वाह, ओह ओह ओह,